फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे, स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. In short, staffing एक execution process है। इस process के हिसाब से plan करना पड़ता है organization को अपने पूरे structure को। अब structure कैसे बनता है किसी भी organization का? जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, फ्रेम करने के लिए स्टाफिंग करना पड़ता है। स्टाफिंग मींस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है। इसका मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग। अगर किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर अगर कोई भी वैकेंसी है, उसको फिलअप करना है, तो उसे उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस बेसिस पर अट्रैक्ट करना पड़ेगा थ्रू एडवर्टीजमेंट। और जो भी कैंडिडेट आता है उस पोस्ट के लिए उसको रिक्रूट करना है। रिक्रूटमेंट कैसे होगा? उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस देख करके उसका सिलेक्शन करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे सभी को सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए प्रॉपर कैंडिडेट को, सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको प्लेस किया जाएगा सुटेबल प्लेस पर ऑर्गेनाइजेशन के जिस डिपार्टमेंट में, जिस डेजिग्नेशन के लिए रिक्रूटमेंट होगा उस प्लेस पर उसको हायर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको अप्रेज किया जाएगा उसके काम के हिसाब से। अगर उसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको अप्रेजल हमेशा देते रहेंगे, उसका प्रॉपर रेमुनरेशन देंगे, उसको प्रॉपर सैलरी देंगे। डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, और जो भी अच्छा वर्कफोर्स, जो जितने भी अच्छे इम्प्लॉयज़ होंगे उनको, उनका डेवलपमेंट कैसे करेंगे? बाय गिविंग ट्रेनिंग। जो भी अच्छे इम्प्लॉयज़ होंगे उनको ट्रेनिंग, हर थोड़े दिन में, हर थोड़े समय पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग देने से उनका डेवलपमेंट होता है। अगर इम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है तो अल्टीमेटली ग्रोथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे इम्प्लॉय का डेवलपमेंट के लिए सोचा जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हर थोड़े महीने में या साल में एक बार कम से कम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करते हैं एम्प्लॉई की। अगर एम्प्लॉई की इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होती है, काम करने की क्षमता अगर बढ़ती है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्टली बेनिफिट ही होता है। और वैसे जो भी अच्छे इम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिटेन किया जाता है। रिटेन किया जाता है मतलब उनको रखा जाता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वी कैन से परमानेंट एम्प्लॉई। तो हम ये समझ सकते हैं स्टाफिंग सेकंड स्टाफिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फ्रेम करने में स्टाफिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। और उसके लिए स्टाफिंग का स्टेप्स होता है, जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर प्रॉपर सेलेक्शन प्रोसीजर से उसको जाना पड़ता है कैंडिडेट को, और अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर सैलरी वगैरह देख करके अप्रेजल करते रहते टाइमली। नाउ वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क अकॉर्डिंग टू एस बेंजामिन। एस बेंजामिन जी कहते हैं कि स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉपर कैंडिडेट को, एक्चुअली वी कैन से प्रॉपर कैंडिडेट को, जो सुटेबल कैंडिडेट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, असेस किया जाता है उनका परफॉर्मेंस, लास्ट जहाँ पर भी वर्किंग होगा वो कैंडिडेट, और उसका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है, क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है, और अकॉर्डिंगली उसको प्लेसमेंट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लेवल पर,
प्रॉपर डेजिग्नेशन दिया जाता है और उसका हर थोड़े समय पर उसका इवेल्यूएशन किया जाता है। इवेल्यूएशन मतलब उसका चेक किया जाता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो अच्छी तरीके से कर रहा है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली अगर बाई चांस अगर कोई गलती होती है उससे बार बार, तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है बाय द मैनेजर। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बिकॉज इट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज इफेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन है, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल मतलब ये किसका फंक्शन है, मैनेजर का फंक्शन है। मैनेजर का क्या फंक्शन है कि वो प्रॉपर एक अच्छा एम्प्लॉई सेलेक्ट करे, एक अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करे, जो कैंडिडेट जाकर के अच्छा काम करे और उसके अच्छे काम की वजह से इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एक अच्छा वर्कफोर्स सेलेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली उसको प्लेसमेंट देता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्कफोर्स का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर वर्कफोर्स अच्छा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस एम्प्लॉई का एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी मतलब उसका काम करने का तरीका, काम बहुत अच्छे से करेगा, काम अच्छे से करेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और वो प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो उसके लिए दोनों जन को फ़ायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा है, एम्प्लॉय को भी फ़ायदा है। क्योंकि एम्प्लॉय को उसके बदले में अगर प्रॉफिट अगर ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है स्टाफिंग। सेकेंड पॉइंट इज़ लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, कैसे? क्योंकि देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं उनका क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करके, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब चेक करके उसका रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का, ये सब देख करके ही सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको प्रॉपर सही प्लेसमेंट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और अकॉर्डिंगली उसका रेमुनरेशन फिक्स करते हैं हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक अच्छा एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, अच्छे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के बाद उसको प्लेसमेंट देते हैं प्रॉपर डिपार्टमेंट में, सही डिपार्टमेंट में, जिस बेसिस पर उसको जो भी उसका क्वालिफिकेशन होगा उस बेसिस पर उसको प्लेसमेंट मिलेगा, उसको रेमुनरेशन सही तरीके से देंगे, अच्छा सैलरी देंगे, मार्केट में जो भी रेट चलता है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को वो देख करके ही रेमुनरेशन फिक्स करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। और उसको हर थोड़े दिन में, हर या तो साल भर में हम एक बार बोल सकते हैं, या 6-6 महीने पर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। ट्रेनिंग फॉर व्हाट, ट्रेनिंग किसके लिए देते हैं, डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए, दोनों के डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के भी और ऑर्गेनाइजेशन के भी। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। अगर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होगा, HR डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि वही सेलेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट हेडिंग इज़ बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। क्यों, अच्छा रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप अगर है ऑर्गेनाइजेशन में, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, सारे डिपार्टमेंट्स में, तो उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा है कि सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर के काम करेंगे। मिलकर के काम करने से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इज़ पॉसिबल, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होगा। डिस्प्यूट होगा क्या,
बिल्कुल नहीं होगा। जब डिस्प्यूट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ प्रॉफिट हाई ही रहेगा। तो इसीलिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है, एचआर डिपार्टमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढता है। अगर वो अच्छा एम्प्लॉय ढूंढेगा तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली अच्छा रिलेशनशिप सारे ही एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ रखेंगे। अगर बाई चांस कोई एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया एचआर डिपार्टमेंट ने जिसकी वजह से हर काम बिगड़ते जा रहा है, वो उसका किसी भी डिपार्टमेंट के साथ नहीं तालमेल बैठ पा रहा है, किसी भी मैनेजमेंट या किसी मैनेजर के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाएगा, तो वो पूरा डिस्प्यूट वाला माहौल पैदा करेगा। तो इसलिए रिलेशनशिप कभी भी कॉर्डियल तभी होगा जब सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, न कि सिर्फ एक एम्प्लॉय अच्छा होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया जाता है असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई अगर अच्छा काम कर रहा है, अगर इफ़िशियंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा, वो काम अच्छा करेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ होगा। तो अल्टीमेटली स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, इम्प्लॉयज़ के लिए भी, और इम्प्लॉयज़ का अगर जब भी भला होता है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का भला हो ही जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि एचआर डिपार्टमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वही इम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है। तो इम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हेल्प्स इन इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ इफ़िशियंट होंगे अपने काम में, अपना काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, वो सारे टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे एंड यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन फेस करने में सक्षम रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन फेस करने में मार्केट में सक्षम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ उतने कैपेबल है, उसके एम्प्लॉयज़ इतने इफ़िशियंट है कि वो सारे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके, उसको यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए काम करना पसंद करते हैं। तो स्टाफिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अच्छे एम्प्लॉय को हायर करे, जो एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके मार्केट के कंडीशन को, मार्केट के कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए रेडी हो। नेक्स्ट हेडिंग इज इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉई है अगर वो इफ़िशियंट है मतलब अपने वर्क में, उनका वर्क जो है उसका क्वालिटी, वर्क की क्वालिटी अगर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब वो इफ़िशियंट है। अगर वो इफ़िशियंट है तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ पॉसिबल है। बट ये इफ़िशियंसी आती कहाँ से है? इफ़िशियंसी आती है हर इंटरवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता है, उसी से इफ़िशियंसी बढ़ती जाती है एम्प्लॉई की। और उस ट्रेनिंग के वजह से जब इफ़िशियंसी बढ़ती है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है, और किसका होता है, एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ होता है। अब एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ कैसे होगा? क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेगा, और क्या, बोनस दे सकता है कंपनी। तो ये सब फ़ायदे हैं किस चीज़ के,
इफ़िशेंसी ज़्यादा होने की वजह से, एम्प्लॉय की इफ़िशेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है? आज अगर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर करती है, एक ऐसे कैंडिडेट को हायर करती है जिसका इफ़िशेंसी लेवल कुछ नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में जहाँ पर उसको, जिस डेजिग्नेशन पर उसको रिक्रूट किया जा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कैंडिडेट? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो कैंडिडेट कैपेबल ही नहीं है उस पोस्ट का काम करने के लिए। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स के रूप में एम्प्लॉई हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल किसके लिए? ग्रोथ के लिए। तो हमको एम्प्लॉई कैसे हायर करने चाहिए? हायरिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए, क्वालिटी हायरिंग करनी चाहिए। अगर क्वालिटी हायरिंग होगा तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स साबित हो जाएंगे। बट अगर बेकार एम्प्लॉय को हायर किया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लायबिलिटीज साबित हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है स्टाफिंग का? एम्प्लॉयज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में अगर हायरिंग, जो भी एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है, क्वालिटी उसकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वो एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म असेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हेडिंग इज़ एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, हम ये शुरुआत से यही पढ़ते आ रहे हैं कि एम्प्लॉई का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, एम्प्लॉई असेट्स है, एम्प्लॉई ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कंपटीशन फेस करने में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। कॉम्पिटिशन कैसे फेस कर रहा है? क्योंकि एम्प्लॉई इज़ कैपेबल टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। तो employee play, so that's why we can say that employees plays an important role, because employee is an assets of the organization, because wo organization ke growth mein important role play kar raha hai. Success of the organization is totally dependent upon the efficient employees. Competition face karne ke liye help kar raha hai kyunki wo employee itna competent hai, itna zyada efficient hai ki wo technology acche se use karna janta hai. नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इतना कुछ हम देख लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन किसको मिलना चाहिए? जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जब एम्प्लॉई इतना कुछ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एम्प्लॉई को भी परमानेंट जॉब देना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए। क्यों जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए? क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो उसे भी एक परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉई इतना इफ़िशियंट, इतना कॉम्पिटेंट है अपने काम के लिए, तो उसको ये सेफ्टी रहना चाहिए कि हाँ, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला नहीं जाएगा, तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए, प्रॉपर इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, सैलरी सही तरीके से देना चाहिए, अप्रेजल होते रहना चाहिए टाइम टाइम से। ये सब जॉब सेटिस्फैक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। लास्ट हेडिंग इज़ मेंटेन्स हारमोनी। हारमोनी कैसे होगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शांति कब बनी रहेगी? जब सारे लोग खुश होंगे, अच्छा रिलेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, सबका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। किसका? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन है? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर होना चाहिए। डिपार्टमेंट कौन से हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वो सारे डिपार्टमेंट्स, वो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसकी वजह से शांति बनी रहेगी। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टाफिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल,
स्टाफिंग का सबसे पहला यही रोल है कि वो अच्छा रिक्रूटमेंट करे। अगर अच्छा रिक्रूटमेंट होगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट यहाँ पर लिखा है ना मैंने 7th पॉइंट में, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स कीजिए, मैं सॉल्व करूँगी इस डाउट को। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप इसे देख सकें। थैंक यू।